तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सेकेंड स्टेज पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप्स, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह दिख रहा है, और मुझे इसमें से टॉप 10 या टॉप 20 को हाईलाइट करना हो तो कैसे करें? ठीक है, टॉप 10 एंड टॉप 20, तो ऐसे केसेस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे जहां पे टॉप 10 है। टॉप 10 देखिए, जो टॉप 10 वैल्यू है पोजीशन के हिसाब से, मतलब कि सीरीज के हिसाब से नहीं, पोजीशन, 20 बड़ा है उसे नीचे 90 है, हाईलाइट हो गया। ठीक है, और ये अगर नंबर बढ़ेगा तो अपने आप को बढ़ा लेगा, नंबर कमेगा तो अपने आप को कमा लेगा। एंड आफ्टर दैट इसमें टेन हाँ, टेन है, टेन की जगह आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, या टॉप 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 डिफॉल्ट होता है। उसी तरह से बॉटम 10 है आपका, तो बॉटम 10 या बॉटम 5 या बॉटम 100 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे से छोटा होगा वो हाईलाइट होगा। इसमें एक आता है टॉप 10 परसेंटेज, तो परसेंटेज के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन होगा ना उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे, इसका टोटल में से इसका कंट्रीब्यूशन निकालेगा, कुछ इस तरह से देख रहा था, दैट इज डिवाइड बाय सम ऑफ, समझे, और इसकी परसेंटेज निकाला है, जी 2% हुआ है ना। अगर हम 20 इसमें इसी तरह से एक मिनट इसको फ्रीज कर देता हूँ, जी पर जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा ना वो हाईलाइट करेगा। यहाँ पे देखिए, जो 0% है वो हाईलाइट नहीं होगा, 3% वाला हाईलाइटेड है, देख रहे आप। तो इसी में अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर हम टॉप 10 में यहाँ पे अगर हम 5 करते, 5 ही करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 3% वाला हाईलाइट हुआ है ना, 2% हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि 3% ही 5 पूछ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 3% वाला एक 25 टाइम्स है, तो 20 को हाईलाइट कर देगा उसमें। ठीक है, 10 किया, अब 10 में देखिए 19 को लिया है, ना 3% है, तो 3% में पॉइंट होगा, ये तो राउंड है ना, हो सकता है पॉइंट भी इधर उधर होगा। तो ये आपका परसेंटेज में आता है टॉप 10। अब यहाँ पे इस तरह से बॉटम 10 भी है। अब आता है एवरेज। अभी सिलेक्टेड एरिया का एक एवरेज है 9, तो अगर मैंने इसको कर दिया अबव एवरेज, जो 9 से ऊपर है वो हाईलाइट, जो भी 9 से ऊपर है वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। करके डेट में नंबर चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा, तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा तो ये भी अपने आप को बढ़ा होता है, और बिलो एवरेज भी सेम करता है। एवरेज बिलो मतलब कि एवरेज से 9 से छोटा। अब इसका यूज कब होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि बताओ कि अच्छा सेल किसने किया है, तो या तो सबसे पहला बंदा होगा कि इसने अच्छा सेल किया, तो एक बंदे के नाम देंगे। आपको बोला है कि अच्छा सेल कौन कौन किया है, अब आपका कोई बेंच मार्क, अगर अगर आपके पास कोई बेंच मार्क अगर फिट है कि हाँ कि इतना से बड़ा अच्छा होता है, इतना छोटा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन कोई कोई बेंचमार्क डिफाइन ही नहीं है तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे केसेस में एवरेज से ऊपर, एवरेज से नीचे। ठीक नीचे है, अब बात करते हैं डेटा बार। अब जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, अब इसमें मुझे पता लगाना है कि कौन सबसे हाईएस्ट है और कौन सबसे लोएस्ट है, कैसे पता चले। क्या अब इसके हम चार तो ही लगा सकते हैं ना, तो ऐसे केसेस में हम यहां डेटा बार इस्तेमाल करते हैं। डेटा बार क्या करता है, एक बार बना कर देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 20 सबसे हाईएस्ट है, 90 इसके नियरेस्ट है ना। यहाँ पे साफ साफ देखिए कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके अगर डेटा बार कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार आता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है बार भी बढ़ रहा है, इसके अंदर ही एक चार्ट बना के आपको दे देगा अगर आप डेटा बार इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ओके लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे बार अपने डेटा फील्ड में नहीं, उसके बगल में चाहिए, ताकि हम इसको
बार चार्ट की तरह प्रेजेंट कर सकते। अब यहां पे राइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है कि आपका फॉर्मेटिंग वहीं पे लगेगा जो सिलेक्शन, कंडीशन जहां से ले वहीं से लेगा जहां से सिलेक्शन। क्या करूं, तो इसके लिए हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे, हम इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे तक ड्रैग करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके डेटा बार इस्तेमाल करें। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मेट सेल पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में आते हैं, जहां पे किसी भी रूल्स को चेंज वगैरह कर सकते हैं। जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस तरह से खुलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज कर सकते हैं कि भाई मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, नंबर आप डिसाइड कर सकते हो, और कलर सॉलिड फिल या गिडन फिल है वो से दे सकते हो, और यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, बट यहां पे मैंने क्या किया, शो वार ओनली, क्या किया, शो वार ओनली। नंबर ठीक है, लगा तो शो वार में क्या हुआ कि नंबर विजुअल नहीं होगा, सिर्फ वार विजुअल होगा, क्या विजुअल होगा, सिर्फ वार। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं आइकन। अब किसी को क्लियर समझाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह के आइकन में समझा सकते हैं। अब मान लीजिए आइकन हटा रहा है मुझे, तो क्या करूंगा, कोई भी कंडीशन हटाने के लिए क्लियर रूल्स में सिलेक्टेड या एंटायर, तो एंटायर चले। ठीक है, अब इसके ऊपर डेटा कंडीशन फॉर्मेटिंग में कई सारे कंडीशन है, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये अलग अलग। ठीक है, दिख रहा है, जी सर, ये लगा सकते हैं। अब इसमें अगर मान चाहिए तो अपना मैनेज रूल में जाके इस पे अपना सेट भी कर सकते हैं कि नंबर में किसके आसपास क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, ठीक और है। इसकी हम यूज हम यहाँ लोग कंपेयर से के इसके यूज हम कंपेयर के लिए भी करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि क्वांटिटी वन, क्वार्टर वन में हमारा 500 से ले, क्वार्टर टू में आपका 550 है, दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर डेटा ज्यादा हो तो वन बाय वन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वन बाय वन। अब चलिए इसको एक रूल्स में देखते हैं। ठीक है ना, रूल्स में ये है कि यहां पे मेरे पास कुछ नेम्स ऑफ लिस्ट है, कुछ स्कोर डला हो। ठीक है, डला हुआ है सर। ठीक अब मुझे क्या करना है कि पास, रीसेट और फेल तीन स्टेटस देना है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन ना लगा के ये आइकन यूज करना चाहता हूँ, टिक मतलब पास, रीटेस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और क्रॉस मतलब फेल। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरे हटा देता हूँ, पूरे के पूरे आइकन्स को, और इसको सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे हमने ए वाली आइकन अप्लाई कर, लेकिन मैं जो आइकन अप्लाई किया मेरे इस कंडीशन से मैच करता ही नहीं, क्या करूंगा, तो यहां जाऊंगा मैनेज रूल्स में, इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहां पे हम चूज करेंगे नंबर, क्या चूज करेंगे, नंबर। अब क्या है, 60 से ऊपर तो 60 यहां दे दिया, एंड 60-40 के बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड 40 से नीचे क्रॉस। ठीक है, तो आपने इधर आइकन स्टाइल सेलेक्ट किया ऊपर, ठीक हाँ देखिए मैंने क्या किया, है सर। देखिए देखिए मैंने सबसे पहले गया कंडीशन फॉर्मेटिंग में, आइकन को लगा दिया, क्या कर दिया, आइकन आइकन बोलो, लगा दिया। हाँ लगाने के बाद फिर इसी पे सिलेक्शन रहने दिया, और इसी पे मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल को गया और इस पे डबल क्लिक किया, ये आ गया जहां पे जी इतना लेगा अल्लाह, हाँ जी। कि फिर इसके नंबर वाले सेक्शन में चला गया मैं, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, एंड हमने इसको ओके कर दिया एंड अप्लाई। ठीक है, समझे, अप्लाई कीजिए, आ गया 55 एक्सप्रेशन मार्क, आ गया 90 पास है, 29 फेल है। ठीक अब इसे मुझे समझाना है तो मैं 3-2-1 यहाँ पे टाइप कर दिया और अच्छा। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे न्यू रूल्स, सॉरी कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन्स लगा दिया, आइकन्स। फिर इसके यहाँ पे मैनेज रूल में गया, डबल क्लिक किया और इस पे कर दिया मैंने शो आइकन, क्या कर दिया, शो आइकन।
श्योर एंड अप्लाई इंग्लिश, समझ गई ना। चलिए अब आते हैं सेलिंग। अब जैसे कि मुझे क्या करना है कि मैं जो यहाँ टाइप करूं, अगर ये जहां जहां मैच करेगा उसको हाईलाइट। तो यहां हमने आपको समझाया कि हम इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल टू में यहां पे अगर मैं 10 दिया तो 10 या 20 दिया तो हाईलाइट कर दिया, बट मैं यहां मैनुअल टाइप नहीं करना चाहता हूं, इससे लिंक करना, इस पर क्लिक कर दीजिए लिंक हो जाएगा। यहां पे आप सेल रेफरेंस भी दे सकते, ठीक है। अच्छा 20 दिया, 20 नहीं है, और 56 हाईलाइट है। दोबारा करके दिखाना सर। बस मैंने इसको सेलेक्ट किया, यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, इक्वल टू, इसके अंदर मैनुअल टाइप करने की जरूरत है, क्लिक कर दिया। ओके ओके, तो जाके क्लिक करना है। ओके समझिए, ताकि वो फॉर्मूला हो जाएगा कि आपने B2 को रखा हुआ उधर कंट्रोल जी बिल्कुल से। ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है विदाउट इसमें? ठीक आगे बढ़े। अब बारी आती है है। फॉर्मूला लगा। अब मैं मुझे क्या करना है कि एक कंडीशन पे पूरे के पूरे रो को हाईलाइट कर, ठीक है। जैसे यहां पे कंडीशन ये है कि मेरा प्रॉफिट जो है, अगर मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 500 से ऊपर हो तो पूरी की पूरी रो हाईलाइट, ठीक है, अमाउंट क्लियर है। से ऊपर। ओके मतलब कि मुझे क्या करना है, पहले अमाउंट का प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट अगर ग्रेटर देन 500 है तो ये क्या करे, पूरी की पूरी रो हाईलाइट। तो इस केस में यहां पे कोई कंडीशन तो है नहीं, इस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। और जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक सिंगल सेल सिलेक्ट करो। क्या करेंगे सर? एक सिंगल सेल सिलेक्ट। कंडीशन वर्डिंग के न्यू रूल्स में जाएंगे और यहां यूज फॉर्मूला है। क्या आएगा? यूज फॉर्मूला। और यहां पे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में इक्वल दिया और हमने बोला कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाई ए, आपका 90%, और फिर इसको हम ब्रैकेट में, ठीक है ना। क्योंकि तो हमें यहां पे रिजल्ट फाइनल क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो मल्टीप्लाई करके आ गया अमाउंट, अमाउंट का प्रॉफिट परसेंट अमाउंट आ गया, और फिर इसने बोला कि ग्रेटर देन 500। अगर इस दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट 500 से ऊपर आया तो रिजल्ट यहां पे क्या शो करेगा, ट्रू। क्या शो करेगा? ओके ट्रू, ठीक है। सर, क्लियर है? सर लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, हमने टू के आगे का डॉलर साइन लगाया। अब डॉलर साइन लगने से क्या दिक्कत हुआ? डॉलर का साइन लगने से दिक्कत ये हुआ कि आपका फिक्स हो गया, बट हमें तो नीचे इसमें 3 में 3 के अकॉर्डिंग, 4 में 4 के अकॉर्डिंग करना है ना। ऐसे केस में क्या करेंगे कि 2 के आगे का डॉलर हटा देंगे, ठीक है, एंड यहां से फॉर्मेट अप्लाई करेंगे हम, एंड ओके। और फिर इस फॉर्मेट प्रिंटर को लेंगे, दिख रहा है आपको, ओके और इस फॉर्मेट प्रिंटर को लेके पूरे एरिया में पेंट करते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसका डेट यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला हाँ हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ लगा कि ये डेट वगैरह बन गया, इसकी फॉर्मेटिंग मैनुअल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वांटिटी करना पड़ेगा इस तरह से, इसको परसेंटेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं, कि दोबारा बताऊं? हाँ नहीं आ गया समझ सर, क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर ने फॉर्मूला भी ड्रैग किया है, तो जहां जहां फॉर्मूला अप्लाई था वहां फॉर्मेट प्रिंटर ने अपना काम किया। जी ठीक है, आ गया समझ से, इतना बहुत है आज, लेट हो गया ऑफिस के लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।